तेरी मिट्टी जज्बात से जुड़ी है और मेरी अकल पानी से। तू जान दे सकता है, मैं जान ले सकता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान, चाहे क्रिकेट में मिले या डांस बैटल में, मजा तो आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में एक बार फिर से। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई वरुण धवन की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और इस फिल्म का दोस्तों हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं सुपरस्टार अजय देवगन की पिछले दो हफ्तों से धमाकेदार कमाई कर रही फिल्म तानाजी के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, और तानाजी का 15वें दिन का कलेक्शन भी हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना तरीके शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर बात कर लें सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म तानाजी के अभी तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 10 जनवरी के दिन रिलीज किया गया था। दोस्तों बता दें आपको कि ये फिल्म इंडियन हिस्ट्री की एक ऐसी एपिक हिस्टोरिकल फिल्म है जिसे कि ऑडियंस की तरफ से काफी शानदार रिव्यूज मिले हैं। सुपरस्टार अजय देवगन, काजोल, सैफ अली खान और शरद केकर स्टारर इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिले। क्रिटिक्स ने भी दोस्तों इस फिल्म को 2020 की पहली ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया था। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से कई सारे रिकॉर्ड बनाए। लगभग 3,880 स्क्रीन पर हिंदी और मराठी में लगने के बाद सुपरस्टार अजय देवगन सर की इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो 15 करोड़ 10 लाख रुपए की धमाकेदार कमाई की, जो कि उनके करियर की वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स में से एक है। साथ ही में दोस्तों नॉन हॉलिडे में रिलीज होने वाली एक बिगेस्ट ओपनर है। दोस्तों बता दें आपको कि तानाजी को महाराष्ट्र में काफी शानदार रेस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म मराठाओं के वीरों की शौर्य गाथा को दिखाती हुई कहानी है, जिसमें दोस्तों भारत के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे की भूमिका में आपको अजय देवगन नजर आए हैं। अगर बात करें दोस्तों इस फिल्म के सेकंड डे की, तो ऑडियंस की तरफ से मिले हुए काफी अच्छे रिव्यूज के बाद इस फिल्म ने अपने शुरुआती 3 दिनों में तो लगभग 62 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। बाद में दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार होल्ड किया और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में 118 करोड़ 91 लाख रुपए कमाने में सफल रही। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म अजय देवगन के कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी थी, जिसने कि अपने पहले ही हफ्ते में 118 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। बात करें अगर इस फिल्म के हम लोग सेकंड वीक के कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि अजय देवगन सर की इस फिल्म को अपने सेकंड वीक में भी काफी अच्छी स्क्रीन मिली, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। यही वजह रही दोस्तों कि इस फिल्म ने अपने 8वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 10 करोड़ 6 लाख रुपए, 9वें दिन कमाए थे 16 करोड़ 36 लाख रुपए। वहीं दोस्तों अपने 10वें दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ 22 करोड़ 12 लाख रुपए कमाए। इसी के साथ दोस्तों ये फिल्म महाराष्ट्र एरिया में तो बाहुबली 2 से भी ज्यादा अच्छी कमाई करके एक नया रिकॉर्ड बना चुकी थी। अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग सेकंड वीक के टोटल कलेक्शंस की, तो दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म ने अपने सेकंड वीकनेस में भी काफी शानदार होल्ड किया। अपने 11वें दिन इस फिल्म ने कमाए 8 करोड़ 17 लाख रुपए, 12वें दिन कमाए 7 करोड़ 72 लाख रुपए, वहीं अपने 13वें दिन इस फिल्म ने कमाए 7 करोड़ 9 लाख रुपए। 14वें दिन के कलेक्शंस की बात करें, तो दोस्तों ये फिल्म अपने 14वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6 करोड़ 55 लाख रुपए कमाने में सफल रही। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने सेकंड वीक का रहा था 78 करोड़ 5 लाख रुपए का, और इंडिया नेट में ये फिल्म अपने 14 दिनों में लगभग 196 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी थी। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों इस फिल्म के हम लोग 15वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D और कंगना रनौत की फिल्म पंगा को भी रिलीज कर दिया गया है, जहाँ दोस्तों वरुण धवन की फिल्म को लगभग 3700 स्क्रीन मिली है, वही दोस्तों पंगा को बॉक्स ऑफिस पर 1400 स्क्रीन मिली है। यानी कि दोस्तों ये दोनों ही फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 5100 स्क्रीन तो ले जा चुकी है। बात की जाए यहाँ पर तानाजी की, तो दोस्तों तानाजी को अपने थर्ड वीक में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास स्क्रीन तो नहीं मिल पाई है, लेकिन दोस्तों जिस तरह की कमाई ये फिल्म अपने थर्ड वीक में कर रही है वो सभी को हैरान कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म की जो थर्ड वीक की एडवांस है वो लगभग 80 लाख रुपए से ज्यादा की रही, जो कि दोस्तों एक तरह से आउटस्टैंडिंग है। वही आज की दोस्तों इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो कंगना रनौत की फिल्म पंगा से भी ज्यादा अच्छी है, और आज ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 35 से 40% की ऑक्यूपेंसी के साथ मॉर्निंग में ओपन हुई है। यानी कि दोस्तों आज भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4.5 से 5 करोड़ रुपए की कमाई आसानी से करने वाली है, और इसी के साथ ये फिल्म
इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करके अजय देवगन सर के कैरियर की दूसरी 200 करोड़ी फिल्म बन चुकी होगी। बात करें दोस्तों इस फिल्म के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म काफी शानदार कमाई कर रही है और इस फिल्म ने दोस्तों अपने शुरुआती 14 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 262 करोड़ रुपए कमा लिए थे। वही दोस्तों आज के कलेक्शंस मिलाकर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 270 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। इसी के साथ दोस्तों लगभग 150 करोड़ के बजट से बनी सुपरस्टार अजय देवगन की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर ट्रेंड कर रही है। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर वरुण धवन की मच अवेटेड फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों एक डांसर ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के उभरते हुए सुपरस्टार वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा और ब्यूटीफुल नोरा फतेही नजर आई थी। वही दोस्तों उनका साथ दिया था अपार शक्ति खुराना, राघव जुएल और धर्मेश सर ने। दोस्तों बता दें आपको कि रेमो डिसूजा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म को टी सीरीज और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है। वही दोस्तों इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया में लगभग 3700 स्क्रीन मिली है, वही ओवरसीज में इस फिल्म को मिली है 670 स्क्रीन। इस तरह से ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 4370 स्क्रीन पर लगने वाली वरुण धवन की एक बड़ी फिल्म है। अब अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि ये फिल्म एबीसीडी सीरीज का तीसरा पार्ट है। इस फिल्म का ट्रेलर दोस्तों ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। गाने भी दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर सभी की जुमा पर चढ़े हैं। यही वजह है दोस्तों कि वरुण धवन की इस फिल्म को आज मॉर्निंग में ही इंडियन बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार ऑक्यूपेंसी हासिल हुई। एडवांस दोस्तों इस फिल्म की अपने पहले दिन की लगभग 4.5 करोड़ रुपए की रही, जो कि यहां पर तानाजी के एडवांस के बराबर है। वही अगर बात करें इस फिल्म के हम लोग आज की मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की, तो 3700 स्क्रीन पर दोस्तों लगने के बाद इस फिल्म की आज की जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी है वो रही है 22-25% की। वही दोस्तों आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की एडवांस में दिखा रही है 35-40% की। यानी कि ये फिल्म आज अपने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार ओपनिंग ले रही है और लगभग 16 करोड़ रुपए की कमाई ये फिल्म आसानी से करने वाली है। वही दोस्तों बात करें इस फिल्म के ओवरसीज बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों ओवरसीज में भी इस फिल्म को लेकर काफी अच्छा बज देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको कॉम्पिटिशन दिखा गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का। यही वजह है दोस्तों कि इस फिल्म को ओवरसीज में भी अपने पहले दिन लगभग 4.5-5 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिल सकती है और इसी के साथ ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 23-24 करोड़ रुपए की कमाई करके 2020 की सबसे बिगेस्ट ओपनर फिल्म साबित हो सकती है। दोस्तों बता दें आपको कि इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से तो काफी शानदार रिव्यूज मिले हैं, वही दोस्तों अब इस फिल्म को ऑडियंस भी काफी पसंद कर रही है। वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही की केमिस्ट्री को ऑडियंस की तरफ से पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है। वही दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्शन की भी काफी तारीफें हो रही है। यही वजह है दोस्तों कि ये फिल्म 2020 की एक बिगेस्ट ओपनर साबित हो रही है और साथ ही में कई सारे और नए रिकॉर्ड ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बनाने वाली है। बजट है दोस्तों इस फिल्म का लगभग 85 करोड़ रुपए और इस फिल्म को इंडिया में हिट होने के लिए लगभग 120 करोड़ से ऊपर की कमाई करनी होगी। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या ये फिल्म तानाजी के सामने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं। और अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों ही फिल्मों के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का, तो दोस्तों अभी तक तो बॉक्स ऑफिस पर तानाजी ने अपने पहले दिन की माजी मारी हुई है। अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की यह फिल्म इवनिंग और नाइट के शो में होल्ड करके तानाजी का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इन सभी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस न्यूज जानने के लिए आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।